का जिक्र करते हैं। अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस को एग्जिट पोल से भागना नहीं चाहिए, हार की सफाई ना देने की वजह से यह फैसला लिया गया है। हार के बाद मीडिया को कैसे मुंह दिखाएंगे? कांग्रेस को पता है एग्जिट पोल में प्रचंड हार होगी, एनडीए की 405 सीटें आ रही हैं। ये बड़ा बयान अमित शाह के द्वारा, बता दें आपको अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया कि कल एग्जिट पोल में कोई भी कांग्रेसी हिस्सा नहीं लेगा डिबेट, कि कांग्रेस पार्टी कल एग्जिट पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है, और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करें। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शत्रुमुख वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता, डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।